दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं कैट इंडिया और डेली क्रिकेट के एक और नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज तारीख हो चुकी है 12 नवंबर 2024 और इस वीडियो में हम रोजाना की तरह बात करने वाले हैं आज दिन भर में क्रिकेट के रिगार्डिंग जितनी भी बड़ी बड़ी खबरें ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है, सभी अपडेट्स को वन बाई वन बिल्कुल अच्छी तरह से डीपली हम इस वीडियो में एनालिसिस करने वाले हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो के नीचे से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तो आपका समय यहां पर बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करेंगे, चलिए फटाफट हम बात करते हैं आज दिन भर क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरों की। तो पहली और सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है इंडिया टूर ऑफ साउथ अफ्रीका 2024 को लेकर, जहां पर करंटली इंडिया की टीम साउथ अफ्रीका के दौरे पर है। भारत और साउथ अफ्रीका आपस में चार मैचों की बहुत ही शानदार T20 सीरीज खेल रहे हैं, जिस T20 सीरीज के दो T20 मैच ऑलरेडी समाप्त हो चुके हैं, जहां पर पहले T20 मैच में टीम इंडिया ने जीत दर्ज की थी, सेकेंड T20 मैच में अफ्रीकन टीम ने भारत को हराकर कमबैक किया। सीरीज करंटली 1-1 से यहां पर लेवल है। अब सभी को बेसब्री से इस सीरीज के तीसरे T20 मैच का इंतजार है, जो हमें कल यानी 13 नवंबर को भारतीय समय अनुसार रात के 8:30 बजे से सेंचुरियन के स्टेडियम से लाइव देखने को मिलेगा, जहां टाइमिंग यहां पर फिर से बदल गई है। लास्ट मैच हमें शाम के 7:30 बजे देखने को मिला था, लेकिन तीसरा T20 मैच हमें रात के 8:30 बजे से लाइव देखने को मिलेगा। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, रोमांचक और शानदार ये मैच रहने वाला है। इस सीरीज के रिजल्ट को ध्यान में रखते हुए इस मैच की सीरीज एक बहुत ही अलग यहां पर ये मैच सीरीज रिजल्टिंग मैच होने वाला है। लेकिन इस शानदार मैच के आगाज से पहले इस मैच को लेकर 2-3 बड़े बड़े अपडेट्स ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है। चलिए वन बाय वन सभी अपडेट्स के ऊपर हम नजर डालते हैं। तो फर्स्ट अपडेट निकल कर आ रहा है वेदर फोरकास्टिंग डिटेल्स को लेकर। जी हाँ, खबर थोड़ी सी निराश करने वाली है। पिछले 2 दिनों से लगातार सेंचुरियन में हमें बारिश देखने को मिल रही है, जिसके चलते करंटली करंट सिचुएशंस में भी ग्राउंड में हमें पानी देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों एक खुशखबरी है, वो ये कि भाई कल यहां पर बारिश के आसार नहीं बताए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने ऐसा क्लेम किया है कि भाई 13 नवंबर को सेंचुरियन में हमें बारिश देखने को नहीं मिलेगी, तो हाईली चांसेज है कि हमें यहां पर मैच हैपन होता हुआ नजर आ जाए। उसके बाद बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। तो अपडेट निकल कर आ रहा है पिच रिपोर्ट को लेकर। जी हां, तीसरे T20 मैच के लिए कैसी होने वाली है सेंचुरियन की पिच, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि वही सेम सिमिलर सी कंडीशंस यहां पर रहने वाली है, जहां पर भाई आपको पता है थोड़ा मॉइस्चर रहेगा, तो भाई तेज गेंदबाजों को थोड़ी सी ज्यादा मदद यहां पर मिल सकती है। हालांकि लास्ट मैच के दौरान स्पिनर्स ने लाजवाब परफॉर्मेंस किया था, लेकिन दोस्तों ये जो सेंचुरियन की पिच है पेसर्स के फेवर में जाने वाली है, स्पिनर्स यहां पर थोड़े से नाकाम से ही नजर आने वाली है। कुछ इस तरह की पिच हमें थर्ड T20 मैच में देखने को मिलने वाली है। उसके बाद बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। तो अपडेट निकल कर आ रहा है इंडियन टीम की प्लेइंग 11 को लेकर। जी हां, तीसरे T20 मैच में क्या होगी भारत की प्लेइंग 11, कौन होंगे सूर्य कुमार यादव के वो 11 शेर जो सेंचुरियन में करेंगे साउथ अफ्रीका को ढेर। चलिए जान लेते हैं। तो ये ओपनिंग करने उतरेंगे एक छोर पर डेफिनेटली अभिषेक शर्मा के साथ, दूसरे छोर पर हमें संजू सैमसन देखने को मिलेंगे, नंबर 3 पर आपके डेफिनेटली कप्तान साहब सूर्य कुमार यादव आने वाले हैं, नंबर 4 पर हमें तिलक वर्मा देखने को मिलेंगे, नंबर 5 पर आएंगे वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या, नंबर 6 पर हमें रिंकू सिंह देखने को मिलेंगे, नंबर 7 पर आपके अक्षर पटेल आने वाले हैं, नंबर 8 पर आपके हरदीप सिंह होंगे, नंबर 9 पर रवि बिश्नोई, नंबर 10 पर वरुण चक्रवर्ती और नंबर 11 पर हमें आवेश खान देखने को मिलने वाले हैं। तो भी कुछ ऐसी होने वाली है तीसरे T20 मैच के लिए भारत की प्लेइंग 11। लेकिन आपके मुताबिक कैसी होगी प्लेइंग 11, क्या कोई चेंज यहां पर पॉसिबल है, आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। उसके बाद बात करते हैं अगली खबर की। दो खबर निकल कर आ रही है टाटा आईपीएल 2025 को लेकर, जहां पर करंटली नीलामी के लिए जोरों शोरों से तैयारियां चल रही है। 24-25 नवंबर को हमें आईपीएल के मेगा ऑक्शन सऊदी अरेबिया में देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन इसी बीच यहां पर आईपीएल 2025 के शेड्यूल को लेकर आप सभी आईपीएल फैंस के लिए बहुत ही बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है। जी हां, शेड्यूल को लेकर बीसीसीआई ने एक बड़ा फरमान यहां पर जारी किया है। जी हां, आईपीएल 2025 का पूरा शेड्यूल तैयार कर लिया गया है।
है, अब केवल अनाउंसमेंट का इंतजार है। हाईली चांसेस है कि भाई आईपीएल की शुरुआत से 3-4 महीने पहले ही हमें पूरा शेड्यूल देखने को मिल जाएगा। और भाई ऐसा क्लेम किया जा रहा है कि आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शंस के जस्ट बाद आईपीएल 2025 का पूरा शेड्यूल भी हमें देखने को मिल सकता है। एज ऑफ नाउ जो रिपोर्ट उसके मुताबिक ऐसा बताया जा रहा है कि 22 मार्च 2025 से आईपीएल 2025 का आगाज होने वाला है। और भाई लास्ट वीक ऑफ मई में हमें आईपीएल का ग्रैंड फिनाले फाइनल मैच देखने को मिलने वाला है। तो आईपीएल के कार्यक्रम को लेकर यह ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आई है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो खबर यहां पर निकल कर आ रही है आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शंस को लेकर, जहां पर भाई अब की बार सऊदी अरेबिया के जेदा में हमें नीलामी देखने को मिलेगी। काफी सारे नए रूल्स हमें इंप्लीमेंट में आते हुए नजर आने वाले हैं। वो फॉरेन प्लेयर्स की सैलरी को लेकर भी है, वो फॉरेन प्लेयर की पार्टिसिपेशन को लेकर भी है। आरटीएम कार्ड में भी कुछ बड़े चेंजेस यहां पर किए गए, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। भाई सबसे बड़ा चेंज तो ये भाई, अब यहां पर और थोड़ा सा डिमांड कर सकती है वो फ्रेंचाइज, जिसके मतलब जिस टीम के प्लेयर के ऊपर कोई फ्रेंचाइज आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल करने वाली है। और भाई फॉरेन प्लेयर्स को लेकर तो यही रूल, यदि कोई प्लेयर नीलामी बिक जाता है तो भाई क्या अगर वो पर्सनल रीजंस का हवाला देकर टूर्नामेंट से बाहर निकालता है तो इसको 2 या 3 साल के लिए आईपीएल से बैन भी किया जा सकता है। नीलामी के लिए फिलहाल तैयारियों की शुरुआत हो चुकी है, 10 से भी कम दिन यहां पर बचे हुए हैं। तो भाई सीरियसली लिटरली आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन बहुत ही लाजवाब होने वाले हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो खबर यहां पर निकल कर आ रही है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को लेकर। आईपीएल 2025 के लिए चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने अपने मास्टर प्लान बनाने यहां पर शुरू कर दिए हैं। जैसे दिल्ली कैपिटल्स ने यह घोषणा की कि भाई ऋषभ पंत को वो रिलीज कर दे, उसी समय पर महेंद्र सिंह धोनी ने टीम सीएसके के साथ मिलकर ऋषभ पंत को अपने स्क्वाड में शामिल करने के लिए एक मीटिंग यहां पर की थी। खैर वो इंटरनल चीजें थी, कोई मतलब उनको बाहर नहीं करेगा, मतलब आउट नहीं करेगा। लेकिन भाई अब यहां पर एक बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट हमें सीएसके के सीईओ की तरफ से देखने को मिली है। जी हां, एक ओपन माइक कॉन्फ्रेंस के दौरान जब उनसे सवाल पूछा गया कि वो केएल राहुल ऋषभ पंत जैसे किसी बड़े स्टार प्लेयर के लिए नेक्स्ट एडिशन में इंटरेस्टेड है, तो भाई सीएसके का जवाब आया कि हां वो डेफिनेटली इंटरेस्टेड तो यहां पर जरूर है, लेकिन श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, ऋषभ पंत इन प्लेयर्स के ऊपर ऑलरेडी सभी टीमें खर्चा करने के लिए तैयार बैठी हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स यहां पर परचेज करने के लिए होने वाले हैं। तो भाई हम तो अपनी कोशिशें पूरी यहां पर करेंगे, लेकिन हमें अपने बजट को भी ध्यान में रखना है, हमें अपनी टीम भी अच्छी तरह से बैलेंस्ड स्क्वाड बनानी है। तो भाई हम एक स्पेसिफिक लिमिट हमने यहां पर इन दोनों में से किसी एक प्लेयर को अपने स्क्वाड में शामिल करने के लिए बना रखी है। यदि उस स्पेसिफिक लिमिट से ऊपर का अमाउंट चला जाता है तो भाई टीम सीएसके उस प्लेयर को छोड़ देगी और भाई अदर प्लेयर्स की तरफ इनका थोड़ा कंसंट्रेशन यहां पर रहेगा। खैर दोस्तों, सीएसके ने ऐलान कर दिया भाई सभी बड़े स्टार प्लेयर्स के ऊपर नीलामी के दौरान अपने टारगेट करने की पूरी कोशिशें करने वाले हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो खबर यहां पर निकल कर आ रही है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम को लेकर। जहां आरसीबी फैंस के जहन में यही है सबसे बड़ा सवाल कि कौन होगा नेक्स्ट एडिशन में टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का कप्तान। तो केवल 2 ऑप्शंस यहां पर आरसीबी के सामने है। फर्स्ट ऑप्शन ये कि विराट कोहली को ये लगातार कन्वेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, विराट कोहली कैप्टनसी लेना नहीं चाहते हैं, जिसके चलते थोड़े से इंटरनल कंसर्न्स यहां पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर में जरूर चल रहे हैं। वही सेकेंड ऑप्शन है कि नीलामी के दौरान किसी शानदार प्लेयर को, बड़े नामी प्लेयर को अपने में शामिल कीजिए, उसको अपनी टीम का कप्तान बना दीजिए। वो केएल राहुल भी हो सकते हैं, वो श्रेयस अय्यर भी हो सकते हैं, या फिर कोई और भी, बहुत सारे ऑप्शंस ऑलरेडी आप सभी को बिल्कुल अच्छी तरह से पता है, इसके बारे में मतलब कुछ बताने की कोई खास जरूरत यहां पर नहीं है। लेकिन वो बात करते हैं भाई चांसेस की, किस चीज के चांसेस यहां पर थोड़े से ज्यादा नजर आ रहे। तो भाई एज ऑफ नाउ रिपोर्ट्स क्लेम कर रही है कि भाई विराट कोहली को आरसीबी की टीम कन्विंस कर लेगी कि भाई किसी ना किसी तरह से वो टीम की कैप्टनसी कर ले। खैर दोस्तों, जो भी नेक्स्ट अपडेट हमें टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को लेकर देखने को मिलेगा, अपडेट में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो खबर यहां पर निकल कर आ रही है कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को लेकर। जी हां, केकेआर ने अपने सुपर प्लान यहां पर नीलामी के लिए बना लिए हैं। जी हां, इन्होंने एक स्पेशल चीज रिवील की, अपने स्पेशल टारगेट यहां पर रिवील किए, जहां पर इन्होंने ऐसा बोला कि नीलामी के दौरान इनका कंसंट्रेशन टोटली रहने वाला है भारत के पेस गेंदबाजों पर, तेज गेंदबाजों पर। अब इसके सामने भैया आपको पता है काफी सारे शानदार ऑप्शंस यहां पर है, भुवनेश्वर कुमार है, हर्षदीप सिंह है,
और भी भाई बहुत सारे इंडियन स्विमर्स यहाँ पर नीलामी का हिस्सा है। मोहम्मद शमी का नाम भी यहाँ पर है और भाई शमी के लिए तो ये अपनी पूरी जी तोड़ मेहनत करने की पूरी कोशिशें करेंगे। खैर केकेआर का टारगेट है भारतीय तेज गेंदबाज टीम तो बहुत पूरी बनानी, लेकिन भाई इन्होंने मतलब ये ठान लिया कि भाई हम एक दो भारतीय तेज गेंदबाजों को जो बड़े प्लेयर हैं नामी प्लेयर उनको अपने स्क्वाड में शामिल करने की अपनी पूरी कोशिशें यहाँ पर करने वाले हैं। उसके बाद बात करते हैं अगली खबर की, तो खबर निकल कर आ रही है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर। एज ऑफ नाउ एवरीवन इज वेटिंग फॉर द वेन्यू ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी 2025, बट अब वही चीजें यहाँ पर क्लियर सी होती नजर आ रही है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के वेन्यू को जल्दी फाइनलाइज यहाँ पर कर लिया जाएगा। एज ऑफ नाउ रिपोर्ट्स आर क्लेमिंग दैट भाई आपके चैंपियंस ट्रॉफी हमें हाइब्रिड मॉडल के साथ ही देखने को मिलेगी, लेकिन एक जो शॉकिंग चीज है वो कि पाकिस्तान को हाइब्रिड मॉडल में शामिल नहीं किया जा रहा है। पाकिस्तान ने बहुत सारी अपनी हाथापाई की, धमकियां दी, रिक्वेस्ट की, लेकिन उनकी सारी कोशिशें नाकाम रही। एज ऑफ नाउ जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स है वो ऐसा क्लेम कर रही है कि श्रीलंका और यूएई ये दो कंट्रीज मिलकर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को होस्ट कर सकती है। भारतीय सरकार ने भारतीय टीम को पाकिस्तान भेजने से बिल्कुल क्लीन एंड क्लियरली इंकार कर दिया था, जिसके बाद अब बहुत कम चांसेस, क्योंकि भाई पहले अफगानिस्तान ने भी ऐसा बोला था कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, और भी काफी सारे सिक्योरिटी रीजंस है, कंसर्न्स है, जो भी नेक्स्ट अपडेट चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के वेन्यू को लेकर हमें देखने को मिलेंगे वे अपडेट्स मैं आपको बता दूंगा। लेकिन एक बड़ी खबर है इसी वीक के बीच हमें चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का पूरा शेड्यूल भी देखने को मिलने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो खबर यहां पर निकल कर आ रही है T20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर। जब जब जिक्र आता है T20 वर्ल्ड कप का तो हमारी धड़कन और हमारा दिमाग थोड़ा सा तेज हो जाता है कि इसी साल की शुरुआत में वेस्टइंडीज यूनाइटेड स्टेट्स में जाकर हमारी टीम ने T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को उठाया था, लेकिन एक और सुनहरा मौका यहां पर भारतीय टीम को ट्रॉफी उठाने के लिए मिलने वाला है। जी हां, साल 2026 में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी भारत और श्रीलंका दोनों कंट्रीज मिलकर होस्ट करने वाले हैं। तो भाई ऐसे में यहां पर सीरियसली एक बहुत ही मतलब होम कंडीशंस मिलेंगी तो थोड़े से एडवांटेजेस तो यहां पर डेफिनेटली रहेंगे, और भाई एक और T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाने की पूरी अपॉर्चुनिटी यहां पर टीम इंडिया के पास हमें देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों यहां क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरें, सभी खबरों के ऊपर आपके क्या ओपिनियन, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना अपनी राय। फिलहाल किसी इतना ही, ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए भी सब्सक्राइब क्रिकेट इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।